बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र के असौता पंचायत के लोहरिया गांव के खलियान पर सोए अवस्था में अधेड़ किसान कलयुग पासवान की हत्या कर दी गई। सब देखने से ऐसा लग रहा है कि माथे पर प्रहार कर उसकी हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार व थाना अध्यक्ष बुद्धदेव पासवान ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया, जबकि पत्नी मीरा देवी व दामाद राजेश पासवान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच अवैध संबंध है। कलयुग लुधियाना में रहकर काम करता था, लॉकडाउन में घर आया था। पुलिस ने बताया कि पुलिस सभी मामले की जांच कर रही है। कलयुग का भतीजा अजय पासवान ने बताया कि मृतक कलयुग की पत्नी मीरा देवी से अवैध संबंध जमाई राजेश पासवान का है, इस कारण विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दामाद 3 वर्षों से लोहरिया गांव में ही रह रहा था। पत्नी मीरा देवी ने बताया कि मेरी पुत्री प्रियंका देवी ने अंतरजातीय विवाह गांव के ही नीरज मंडल से किया था। तब से नीरज के स्वजन द्वारा मारपीट एवं 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। इस मामले में 1 माह पूर्व थाने में सनहा दर्ज किया गया था। जमाइये कर लो की नाम से जमाई रो राजेश वही मरल कहीं ना कारण मारे रो की नाम बोलन तोरा गुड़िया देवी। अच्छा तोरो पति नाम राजेश होल के मरल एक अब सर बोली रहो अम्मा के चीज सर की सर हमरो एक दो बहन ब्याह हो तो अम्मा ही रोज धमकी दे जाए ली तू है तुम तीन है तुम धमकी परसू धमकी दिले हम कल की हमारा 2 लाख पैसा दे मम्मी कल की 2 लाख पैसा दीजिए ना तो किसी को हम उठा लीजिएगा। कौन मंडल नाम छे ओकरो नीरज मंडल ओकरो पत्नी रो तोरा बहन रो नाम तो वही तोरा लगे कि वही मारल होते मैं एक हल्ला जे छे कि तोरो माय से तोरो जीजा रो संबंध रो बारे में ओकरा बारे में की कहना है। सर हम 2 बीघा खेती करे छी सर एक तो जादवर बगल पति तोरो कहां छलो जखनी हत्या होले तोरो पति कहां छले खमारी पखरिया ने सुतले। अच्छा आरो खरिया ने सुतला रहो है बात। अच्छा राजेश केकरो नाम छिके तो यही रह छो कने तो अपनो घर अब केने रह छो अपनो घर अब रह छो अपनो बात नहीं ठीक मांग घर तो तोरा सुने में जे तो बराबर यही रह छो नहीं सर बराबर नहीं रह छे लॉकडाउन फसलत बेटा सर हमरो बेटा छोटो छे तोरा दुल्हा भी तो लॉकडाउन में लुधियाना में ही रह छले लॉकडाउन में लो छो लॉकडाउन पहले सर हां पर खून दस पर छठा में लो छे सर और छठा में सर हम मिलो छे सर मैं एयरपोर्ट हम गाड़ी चलाई छे सर बराबर वहाँ से मतलब आप के घर में भी एक महीना रह के 15 दिन यहाँ भी रहिए ऐसा बात आपकी बार लॉकडाउन के वजह से मैं यहाँ इतना दिन रहिए। क्या नाम हुआ आपका राजेश पासवान। मृतक कौन है आपका ससुर। तो आपके ससुर से और आपके पति से आपको संबंध कैसा था तोरो दुल्हास तोरो कहनो संबंध छलो तोरो घर कहाँ होलो मस्तवापुर। कौन कौन जिला मस्तवापुर सब कुछ घर द्वार में सब कुछ आए करबे 10 साल से 12 साल से यहाँ रहे तोरो कारण की छे तो ससुराल में केना रहे छो ससुराल में जब इनको कोई करे वाला थे इनकी बेटी खुद रखे ये सर बेटी के रखे ले बेटी को करे वाला नहीं ले बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव में स्थित चांदन नदी तट पर मिले पुराने भवनों के अवशेष का मंगलवार के दिन महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी सह कांग्रेस के वरीय नेता जितेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के साथ चांदन नदी पहुंचकर मिले अवशेषों का अवलोकन किए। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने मौजूद ग्रामीणों से अवशेष के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मौके पर उन्होंने बताया कि पूर्व में कई ग्रंथों में भदरिया गांव का भगवान बुद्ध की परम शिष्या विशाखा की जन्मस्थल होने के संबंध में चर्चा किया गया था। चांदन नदी के तट पर मिले अवशेषों ने ग्रंथों में उल्लेखित तथ्यों को सत्य साबित किया है। उन्होंने बताया कि पुराने अवशेषों की मिलने से भदरिया गांव विश्व स्तर पर चर्चित हो गया है। यह हम सबों के लिए बड़े गौरव की बात है। आने वाले समय में भदरिया गांव पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। भगवान बुद्ध का चरण पड़ा था, इसका अवशेष मिल रहा है।
यहाँ घर है, दीवार है, पूरा दिख रहा। प्रथम विभाग के भी अधिकारी आए हुए थे और विशाखा जो कि उनकी शिष्या थी, उनका प्रथम शिष्या, तो उनका यहाँ पे इस जगह से ताल्लुकात है। और हम लोग इस जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से ही मांग करते हैं कि इस जगह को जहाँ भगवान बुद्ध का चरण पड़ा था, उनकी शिष्या यहाँ पे थी, शिष्या उनका एक बड़ा भव्य सा प्रतिमा बने या मूर्ति बने और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, जो कि हजारों और पूरे देश विदेश के लोग आकर के यहाँ पर अपना उनका दर्शन कर सके और इस जगह को नमन कर सके। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव स्थित चानन नदी के तट पर मिले अवशेषों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। पुलिसकर्मियों के लिए सुविधा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। त्रिपाल के सहारे तंबू लगाकर पुलिसकर्मी रात गुजार रहे हैं। मौके पर सिपाही नीतीश कुमार पंडित ने बताया कि विगत 13 दिसंबर को हम 7 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चांदन नदी के तट पर लगाई गई है। कड़ाके की ठंड में हम पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय के लिए नदी में जाना पड़ता है। अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि तट पर 2 चौकीदारों की नियुक्ति की गई है, लेकिन रात होते ही चौकीदार अपने घर चले जाते हैं। बता दें, नदी में मिले अवशेषों के संरक्षण के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी देखरेख के लिए अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक वन रक्षक जमशेद खान व महेश्वर पासवान की ड्यूटी लगाई गई है। बांका जिला के अमरपुर शहर में पुलिस और बालू माफियाओं के बीच आंख मिचौली का खेल बदस्तूर जारी है। ऐसा लग रहा है मानो बालू माफियाओं को पुलिस अधिकारियों का कोई डर नहीं रह गया है। बालू माफिया निर्भीक होकर क्षेत्र के विभिन्न अवैध बालू घाटों से चोरी छिपे बालू उठाव की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आगमन को लेकर सभी प्रतिबंधित बालू घाटों से बालू उठाव पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लग गया था। मुख्यमंत्री आगमन के बाद पुनः बालू माफिया निर्भीक होकर बालू उठाव में सक्रिय हो गए हैं। क्षेत्र के मादाचक, मालदेवचक, चौकर, कुम्हार घाट आदि घाटों में बालू माफिया चोरी छिपे बालू उठाव की घटना को अंजाम देते हुए पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वहीं बालू उठाव की सूचना पर अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने थाने में पदस्थापित सभी पुलिस कर्मियों को पूर्ण रूपेण बालू उठाव रोकने का सख्त निर्देश दिया है। इसी कड़ी में थाना अध्यक्ष ने सोमवार के दिन क्षेत्र के बाजा मोड़ के समीप बालू लदी एक ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि ट्रैक्टर चालक पुलिस वाहन को देखते ही ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि बाजा मोड़ के समीप एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है, चालक फरार होने में कामयाब हो गया है। जब्त ट्रैक्टर चालक व मालिक पर खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी प्रतिबंधित बालू घाटों पर पुलिस कर्मियों को निरंतर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिबंधित बालू घाटों से किसी भी सूरत में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। अवैध खनन में संलिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। बांका जिला के पंजवारा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर मोड़ पुल के पास से सोमवार सुबह एक ऑटो से पंजवारा थाना पुलिस ने 108 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है और मौके से ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक थाना के JSI मुकेश कुमार सिंह को गश्ती के दौरान माराटीकर गोविंदपुर पथ से आ रहे एक ऑटो पर शक हुआ। जब ऑटो को रोका गया तो ऑटो चालक भागने लगा। इस दौरान ऑटो चालक को पुलिस ने पकड़ लिया और जांच के दौरान ऑटो की सीट के अंदर बने तहखाने से पुलिस ने अलग अलग ब्रांड के 108 बोतल विदेशी शराब बरामद कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव के बलराम कुमार के रूप में हुई है, जिसमें पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना में प्रयुक्त ऑटो को भी जब्त कर लिया है। बांका जिला के अमरपुर स्थानीय रेफरल अस्पताल में मंगलवार के दिन साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, क्लर्क मोहम्मद जफर मकबूल, राहुल कुमार उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित ANM को आगामी 23 दिसंबर से शुरू हो रही विटामिन ए की दवाई खिलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर डॉक्टर चौधरी ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी आशा कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस अवसर पर डाटा सेंटर अभिषेक कुमार घोष, BCM हीरालाल प्रसाद, ANM नूतन ठाकुर, कंचन शर्मा, रेखा कुमारी, रसीला कुमारी, रमीला कुमारी, ललिता कुमारी, कल्पना कुमारी, रंजना कुमारी समेत सभी ANM कार्यकर्ता व अस्पताल कर्मी उपस्थित थे।